पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां एक जबरदस्त अभिनेत्री की जो दरअसल लेखक बनना चाहती थी, पत्रकारिता में जाना चाहती थी, पर किस्मत ने इन्हें बना दिया भारतीय सिनेमा और रंगमंच के सबसे मशहूर कलाकारों में से एक। नाम है जिनका सुरेखा सीकरी। मुझसे कुछ कहा? सुरेखा सीकरी जी का जन्म हुआ 19 अप्रैल 1945 में शहर नई दिल्ली। इनके पिता एयरफोर्स में थे और माँ एक टीचर थी। सुरेखा सीकरी जी दरअसल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। इनका बचपन अल्मोड़ा और नैनीताल में बीता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका नाता रहा और उसके बाद इत्तेफाकन ये पहुंच गई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा कि कैसे इन्हें एनएसडी में एडमिशन मिला। बात उस वक्त की है, महागुरु अब्राहम अलकाजी साहब अपना एक नाटक लेकर इनके कॉलेज में पहुंचे। वो नाटक इतना खूबसूरत था जिसका नाम था किंग लियर। उस नाटक से सुरेखा जी की बहन बड़ी मुतासिर हुई। उन्होंने मन बना लिया कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेंगी। एनएसडी का फॉर्म मंगवाया गया और वो फॉर्म वैसा का वैसा पड़ा ही रहा। इनकी बहन ने कहा कि अब मेरा मन नहीं है एनएसडी जाने का। तब सुरेखा जी की माँ ने कहा कि सुरेखा तुम ही क्यों नहीं कोशिश कर लेती हो, फॉर्म रखा हुआ है भर दो। सुरेखा जी ने कहा कि पर मैं तो पढ़ने लिखने वाली लड़की हूँ, मेरा मन तो लेखक बनने का है, पत्रकारिता में जाने का है। पर इनकी माँ ने कहा कोशिश करके देखो, बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और तब सुरेखा सीकरी जी ने एनएसडी का फॉर्म भरा, ऑडिशन दिया और इनका सिलेक्शन हो गया। ये साल रहा सन 1965। किसकी बात कर रहा है तू? अरे मैं अपने दुख दूर नहीं कर पाती, दूसरों के क्या करूंगी। और सन 1968 में इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स पूरा कर लिया। उसके बाद 15 बरस तक लगातार ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रिपर्टरी कंपनी के साथ काम करती रहीं। उस जमाने में इनके वरिष्ठ कलाकार हुआ करते थे ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी। रिपर्टरी में इनके साथ थे जबरदस्त अभिनेता मनोहर सिंह साहब और इनकी सहपाठी उत्तरा बावकर भी। ओमपुरी, रघुवीर यादव, इन सब के साथ ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी में काम करती रहीं। भूखे पेट नींद नहीं आएगी तुझे? मैं तो भूखे पेट सो ही नहीं सकती। तब तक टीवी सीरियल्स भी बहुत ज्यादा बनने शुरू नहीं हुए थे और कोई नहीं जानता था कि आगे जाकर ये टेलीविजन की दुनिया में सबकी दादी ही बन जाएंगी। अब्राहम अलकाजी साहब ने इन्हें बड़ी अच्छी शिक्षा दी और थिएटर के प्रति इनके मन में श्रद्धा भाव जाग उठे। एक दिन उस जमाने के बड़े जबरदस्त डायरेक्टर गोविंद नहलानी साहब ने इन्हें फोन किया और कहा कि मैं तमस बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और इसका हिस्सा बनो। तमस ने भारतीय टीवी पर हंगामा मचा दिया था। एक बेहतरीन टीवी सीरीज थी जो आज भी याद रखी जाती है। इन्होंने सन 1978 में एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में काम किया था, इसका नाम था किस्सा कुर्सी का। क्यों नहीं जानूंगी, मुझे देखते ही सीटी बजा के दौड़ा देता है, इसीलिए कंगाल है। पर अभी भी ये अंदाजा नहीं था कि सुरेखा सीकरी पूरी तरह से मुंबई में ही बस जाएंगी। पर इनके निजी जीवन में बड़े अजब उतार चढ़ाव आए और तब इन्हें पता चला कि इनकी बहन का फ्लैट है मुंबई शहर में, इसलिए इन्होंने मुंबई शहर को चुना। मुंबई पहुंचने के बाद कुछ फिल्मों में काम किया, टेलीविजन सीरियल्स का हिस्सा ये बन गई। श्याम बेनेगल जैसे जबरदस्त फिल्म मेकर के साथ इन्होंने काम किया और एक बार नहीं 3 मर्तबा इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने हिंदी और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। सन 1989 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। पर अफसोस की बात यह है कि जब से इन्होंने मुंबई शहर में कदम रखा तब से इन्होंने रंगमंच पर कदम ना रखा, थिएटर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। नसीर साहब का पहला विवाह हुआ था मनारा सीकरी से, जो कि सुरेखा जी की सौतेली बहन है। इस रिश्ते से सुरेखा सीकरी नसीर साहब और मनारा जी की बेटी हिबा की मौसी लगती हैं। इंडियन टेलीविजन पर ये कमाल कर रही थीं। इनका सीरियल बालिका वधु कौन भूल सकता है। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विवाह हुआ हेमंत रेगे से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम है राहुल सीकरी, जो खुद एक कलाकार हैं। ये बात भी गौर करने लायक है, एक बार एक शूटिंग के दौरान इन्हें बड़ी जबरदस्त चोट लगी। शहर था महाबलेश्वर और इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। अपना इलाज कराया, अपना मन मस्तिष्क एकदम साफ रखा और दोबारा ये ठीक होकर फिल्मों में काम करने लगी। फिल्म बधाई हो को कौन भूल सकता है, उसमें निभाई गई इनकी दादी माँ की भूमिका सभी को पसंद आई।
यकीनन भारतीय रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के इतिहास में सुरेखा सीकरी जैसी अभिनेत्री ना कोई थी और ना ही कोई और होगी।